वेलकम बैक टू देसी टू विदेशी। हाय। तो अभी समर चल रहा है लेकिन हम फिर से जैकेट में आ गए क्योंकि विंडी डे है आज। तो समर ऐसा ही है यहाँ पे, लेकिन आज का टॉपिक समर नहीं है, आज का टॉपिक है व्हाट इज पर्सनल नंबर। क्योंकि जब हम लोगों ने एक वीडियो बनाया था ना पर्सनल नंबर स्कैम के ऊपर, तो लोग ना कंफ्यूज हो गए थे। तो मुझे कुछ एक मैसेज आया कि पर्सनल नंबर क्या है, कैसे अप्लाई करना है उसको, क्या यूज है यहाँ पे, और किन किन चीजों पे ध्यान देना चाहिए कि आप जैसा कोई स्कैम वगैरह हमारे साथ ना हो। तो फाइनली हमने सोचा कि इसके ऊपर भी एक वीडियो बना देते हैं, सो दैट आप अगर आ रहे हो और आप पर्सनल नंबर वगैरह अप्लाई करो तो आपको एक हेल्प मिल जाए, किन किन चीजों पे आपको ध्यान रखना है उसका भी एक आइडिया लग जाए। तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज पर्सनल नंबर। पर्सनल नंबर इज योर सोशल सिक्योरिटी नंबर, जैसे यूएस में सोशल सिक्योरिटी बोलते हैं, इंडिया में आधार बोलते हैं। इट इज काइंड ऑफ ए नंबर गिवन बाय द स्वीडिश टैक्स एजेंसी टू यू। तो ये एक 12 डिजिट वाला नंबर होता है जिसमें जो फर्स्ट 4 डिजिट होता है वो आपका जो बर्थ ईयर उसमें मेंशन रहता है, उसके बाद मंथ, और उसके साथ आपको एक 4 डिजिट का यूनिक नंबर मिलता है जो कि हर पर्सन का डिफरेंट डिफरेंट रहता है, मतलब ईयर मंथ डेट एंड देन यूनिक 4 डिजिट नंबर। सो आप एक बार यहाँ पे आने के बाद तो आप टैक्स ऑफिस जाते हैं, टैक्स ऑफिस में एक पर्सनल नंबर का जो एप्लीकेशन रहता है वो एप्लीकेशन फिल करके आपका पासपोर्ट नंबर वगैरह, करंट एड्रेस वगैरह, जहाँ पे आप रह रहे हो एड्रेस, अरे एड्रेस और डेट ऑफ बर्थ ईयर वगैरह सब कुछ देके एक एप्लीकेशन भरते हैं। तो एप्लीकेशन भरने के बाद एक पर्सनल नंबर जनरेट होता है आपके लिए। बट उससे पहले सबसे बड़ा क्राइटेरिया है टू गेट अ पर्सनल नंबर कि आपको मिनिमम 12 मंथ्स का वैलिड वीज़ा चाहिए स्वीडन के लिए। अगर आप 12 महीने से एक साल से कम रह रहे हैं स्वीडन पे तो यू विल नॉट गेट अ पर्सनल नंबर। सो इन दैट सिनेरियो इफ़ यू आर कमिंग टू स्वीडन फॉर लेस देन ए ईयर देन आपको एक कोऑर्डिनेशन नंबर मिलता है, एंड कोऑर्डिनेशन नंबर इज नॉट एज पावरफुल एज पर्सनल नंबर। इट इज़ ओनली यूज्ड फॉर टू फाइल द टैक्सेस। एंड तो आप यहाँ पे वार्ड सेंट्रल पे भी कोऑर्डिनेशन नंबर से रजिस्ट्री कर सकते हैं, लेकिन आपको कोई डिस्काउंट वगैरह नहीं मिलता है, जो कोई भी बेनिफिट्स नहीं मिलता है जो पर्सनल नंबर से मिलता है। इट इज़ अ मेजर डिफरेंस इफ़ यू हैव ए पर्सनल नंबर और इफ़ यू डोंट हैव पर्सनल नंबर। द यूज ऑफ द पर्सनल नंबर ये आपका डे टू डे लाइफ में हर जगह पर यूज होता है। आई मीन ये एक यूनिक आइडेंटिफायर होता है आपके लिए। तो आपका टैक्सेस, आपका हाउसिंग, आपका बैंक, आपका हॉस्पिटल केयर, आपका बच्चे के स्कूल्स वगैरह में भी, आपके ऑफिस में, हर जगह पे ये पर्सनल नंबर एंटर रहता। तो ये आपको अगर कहीं पे भी आपको कुछ ऑनलाइन बैंकिंग का इस्तेमाल करना होगा या आपको कोई भी सर्विसेज इस्तेमाल करना होगा तो आपको पास एक पर्सनल नंबर होना चाहिए, सो दैट यू कैन गेट दिस बैंक आईडी ऐप जो कि ऑथेंटिकेशन के लिए यूज होता है। इवन इफ शॉप्स, मतलब आप शॉप्स में जाते हो तो अगर आपको रजिस्ट्री करना होता है कि हाँ भाई पॉइंट्स के लिए, सो यू नीड योर पर्सनल नंबर टू वेरीफाई दैट। इफ़ यू वांट टू गेट एडमिशन इनटू द स्वीडिश यूनिवर्सिटीज देन यू नीड योर पर्सनल नंबर टू गेट एडमिशन। इससे अगर विदाउट पर्सनल नंबर यू स्टिल कैन डू ऑल दिस थिंग्स, बट देन यू डोंट गेट द डिस्काउंट्स बेनिफिट्स फॉर अदर स्वीडिश सिटीजंस। एक और बेनिफिट भी जो मैंने फील किया, मैं बोलना चाहती हूँ कि हेल्थ केयर आपके अपने लिए और बच्चे के लिए, सबके लिए, फैमिली के लिए पूरा आपको रजिस्ट्री, आपको जाके रजिस्ट्रेशन करना होता है पर्सनल नंबर मिलने के बाद। और बच्चे के स्कूल में भी इनिशियली तो ले लेते हैं यहाँ पे, लेकिन वो भी थोड़ा सा कॉस्टली रहता है विदाउट पर्सनल नंबर। हाँ, मतलब बच्चों के एजुकेशन, राइट टू एजुकेशन स्वीडन में एक एक्ट है। राइट टू एजुकेशन के हिसाब से कोई भी बच्चे को आप पढ़ाई के लिए ना नहीं कर सकते यहाँ पे। सो दे हैव टू गेट गिव एन एडमिशन इवन इफ यू हैव ए पर्सनल नंबर, इफ द किड हैव ए पर्सनल नंबर और नॉट। सो एंड स्वीडिश स्कूल में ऑल्सो दे डोंट चार्ज यू मच, इफ दे चार्ज यू अकॉर्डिंग टू द स्वीडिश लॉ हाउ दे चार्ज इट टू द नॉर्मल, कोई भी जिसके पास पर्सनल नंबर होगा दे चार्ज इट अकॉर्डिंग टू दैट। अगर आप अपने बच्चे को इंटरनेशनल स्कूल में डालना चाहते हैं, द कॉस्ट ऑफ द स्कूल बिकम्स रियली हैवी। सो इट इज़ एक्चुअली 4-5 टाइम्स मोर देन इफ़ यू डोंट हैव ए पर्सनल नंबर, क्योंकि उनको ग्रांट मिलता है एक्चुअली प्राइवेट स्कूल को फ्रॉम द म्यूनिसिपैलिटी।
So they get a grant, so they give you discount on that one. So agar aapke paas personal number nahi hai, so then you will be not, your kid will be not given that grant. So then you have to pay the full price of your child education on monthly basis, and then it becomes really a lot of money. But agar aapke paas personal number hai, then it becomes a nominal amount, not exactly compared to the Swedish society, but thoda usse zyada hai, but yeah, it is affordable. और अगर आपके पास पर्सनल नंबर यहाँ पे है ना, तो आप यहाँ पे फ्री स्वीडिश सीख सकते हो. अगर आपके पास नहीं है तो आपको जो फ्री स्वीडिश सीखने का एक चांस मिलता है यहाँ के गवर्नमेंट की तरफ से, वो आपको नहीं मिल सकता. हाँ, मतलब आप कुछ, मतलब इवन इफ अदर यूनिवर्सिटी में भी आप एडमिशन ले सकते हो, कोई कोर्स में एनरोल कर सकते हो अगर इफ़ यू आर एलिजिबल फॉर दैट कोर्स, तो फिर उसका कोर्स फीस आपको देना नहीं पड़ेगा इफ़ यू हैव ए पर्सनल नंबर. जैसे कि आप अगर इंडिया से यहाँ पे किसी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हो तो आपको यहाँ पे कुछ पे करना पड़ता है उस स्टडीज़ के लिए, लेकिन मेरे पास अभी पर्सनल नंबर है और मैं यहीं पे ही रह रही हूँ, तो मेरे लिए वो एजुकेशन फ्री हो जाता है यूनिवर्सिटी से. तो ये एक बेनिफिट भी है, आप यहाँ पे रह के अगर आपको पढ़ाई में इंटरेस्ट है तो यूनिवर्सिटी वगैरह ज्वाइन कर सकते हैं. और दूसरा चीज़ ये भी है कि आप यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट एजेंसी में भी अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं. वहाँ पे जो आपको बेनिफिट मिलेगा, जॉब रिलेटेड हो गया, जॉब सर्च करने के लिए या कुछ भी, अनएम्प्लॉयमेंट एजेंसी में कुछ एक है रूल कि कुछ टाइम के बाद आपको वो पे करते हैं ना, कुछ एक अमाउंट पे भी करते हैं, तो उसका भी फ़ायदा उठा सकते हो अगर आपके पास पर्सनल नंबर है. और जैसे हेल्थ केयर में हो गया, आप ईयरली मैक्सिमम पेएबल अमाउंट कुछ होता है, आई थिंक इट्स अराउंड 2200 क्राउन्स जो आपको मैक्सिमम पे करना पड़ता, मैक्सिमम हेल्थ केयर के लिए खर्चा करते हो एक साल में, इंक्लूडिंग मेडिसिन एंड विजिट्स. फिर अगर आपके पास पर्सनल नंबर नहीं है तो फिर वो बेनिफिट भी आप नहीं उठा पाओगे और आपको फुल पेमेंट करना पड़ेगा. और विजिट के लिए, जैसे हमें एक विजिट के लिए 200 क्राउन देना पड़ता है, तो विदाउट पर्सनल नंबर आई थिंक द विजिट्स आर 650 क्राउन्स for kids. I don't know how much it is for adults. I don't know if it is same for adults or it is, I think it is bit more for the adults also. So फिर वो cost difference आ जाता है. और कहीं पे भी, इवन इफ आपके पास जिम मेंबरशिप लेना होगा, आपके पास पर्सनल नंबर नहीं है तो फिर वो मेंबरशिप फी भी बढ़ जाता है. तो विदाउट पर्सनल नंबर आपको घर लेने में भी थोड़ा सा वेरिफिकेशन, टैक्स फिल करने में भी थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है. घर लेने में मतलब आप घर सर्च कर रहे हो ना, आजकल मिल जाता है लोगों को. हमने जो अभी तक सुना है कि एक एक लोग यहाँ पे दे रहे हैं, मतलब इंडिया से भी आपको मिल रहा है. लेकिन ये है कि अगर कोई एक लोग ऐसे भी है जो कि ट्रस्ट के ऊपर, जैसे कि मैं हमेशा बोलती हूँ कि यहाँ पे लोग ट्रस्ट बहुत करते हैं, तो अगर आपके पास पर्सनल नंबर नहीं है, हो सकता है आप वो चांस लूज़ भी कर सकते हो. तो ये मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है, ये लक के ऊपर डिपेंड करता है घर रिलेटेड. लेकिन आजकल दे रहे हैं तो अगर आपको मिल गया तो आपका लक, नहीं मिला तो फिर ये भी आप बोल सकते हैं कि ये एक नेगेटिव है अगर आपके पास पर्सनल नंबर नहीं है. बट हाँ, डिफरेंट थिंग इज दैट कि अगर आप स्वीडन में आते हैं और आपके पास पर्सनल नंबर नहीं है, तो आप मान लीजिए आपके पास एक आइडेंटिटी नहीं है यहाँ पे, यहाँ की सोसाइटी में, तो आप वो आइडेंटिटी लूज कर देते हो और फिर कोई भी सोशल बेनिफिट्स हो, जो भी हो, वो आपको नहीं मिल पाता है. सो ऑलवेज ट्राई टू कम हेयर फॉर 12 मंथ्स मिनिमम. एटलीस्ट 12 मंथ्स के लिए आपका वीज़ा वैलिड होना चाहिए, आप जल्दी जा सकते हो. और दैट इज़ नॉट ए बिग थिंग, बट 12 मंथ्स मिनिमम वीज़ा वैलिड नहीं होगा तो आप पर्सनल नंबर इशू नहीं कर पाओगे. पर्सनल नंबर नहीं है तो फिर आपको लोन्स वगैरह बैंक से नहीं मिलेगा यहाँ पे. दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि वो ट्रैक करते हैं कि आपने कितना टैक्स दिया, दो तीन साल के आपके क्रेडिट हिस्ट्री चेक करते हैं. क्रेडिट हिस्ट्री बन नहीं पाएगा आपका पर्सनल नंबर नहीं होगा तो फिर और लोन मिलने में भी मुश्किल होगा. अच्छा ठीक है, कोई कम टाइम के लिए आएगा तो यहाँ से लोन नहीं लेगा ऑब्वियसली, बट हाँ ठीक है, अगर आपके पास नहीं है तो कोई लोन नहीं मिलेगा. पर्सनल नंबर नहीं है तो आप कार लीज लेने में भी आपको थोड़ा सा दिक्कत होता है, कि मतलब कोई शॉर्ट टर्म के लिए आता है तो कार लीज लेने के लिए वो चाहता है, तो उनको थोड़ा सा ज़्यादा पैसा पड़ता है. तो हर चीज़ में महंगा हो जाता है अगर आपके पास पर्सनल नंबर नहीं है. पर्सनल नंबर है तो चीज़ें स्टैंडर्ड रेट पे आ जाते हैं, विच इज़ अप्लीकेबल फॉर एनी वन रिसाइडिंग इन स्वीडन, इंक्लूडिंग द सिटीजनशिप, परमानेंट रेसिडेंस एंड टेम्पररी रेसिडेंस हैविंग ए पर्सनल नंबर. सो उस तरीके से सिस्टम, सोशल बेनिफिट्स आप सब ले. अच्छा, और एक चीज़ भी यहाँ पे हम बताने चाहेंगे, क्योंकि पर्सनल नंबर का यहाँ पे बहुत ज़्यादा वैल्यू है, तो मतलब वो कीमती भी होता है आपके लिए. तो बोलते ना, उसके साथ बहुत सारा
मिसयूज़ भी होता है यहाँ पे, आजकल हो रहा है, जैसे कि मैंने एक मेरे प्रीवियस वीडियोस में भी शेयर किया हुआ है, तो उसको सिक्योर करने के लिए भी आजकल यहाँ पे बहुत सारे एजेंसीज काम कर रहे हैं। तो अगर आपको वो डर है कि आपका पर्सनल नंबर, जैसे कि मेरा एक बार चोरी भी हो गया था, तो अगर आपका पर्सनल नंबर चोरी भी होता है ना, क्योंकि मेरा जो चोरी हुआ था प्राग में चोरी हो गया था, तो आपको इमीडिएट पुलिस कंप्लेन करना है और तो पर्सनल नंबर को लेके बहुत सारे मिस यूज कर सकते हैं, जैसे कोई ऑनलाइन परचेज कर देता है। आजकल स्वीडन में बहुत चल रहा है कि आपका पर्सनल नंबर लेके ऑनलाइन परचेज कर देता है और उसको आज पार्टली पेमेंट में डाल देता है, तो क्या होगा कि बिल आपके पास आएगा आपके एड्रेस पे और सामान वो पहले से उठा के ले जाएगा। फिर क्या होगा कि फिर आपको वो कंप्लेन रेज करना पड़ेगा और आपको फिर उनको जस्टिफाई करना पड़ेगा कि ये आपने नहीं किया था। तो वो सिक्योरिटी तो रहता है कि आपको पता चल जाएगा ठीक टाइम पे, तो इट विल बी सिक्योर। लेकिन अगर ये सब हेडेक से आप दूर जाना चाहते हो, तो आप क्या कर सकते हो कि पर्सनल नंबर को सिक्योर कर सकते हो। देर आर सम एजेंसीज इन स्वीडन नाउ हु टेक केयर ऑफ योर पर्सनल नंबर्स। उनको अगर कहीं पे भी आपका उनको लगता है कि अच्छा अनऑथराइज्ड एक्सेस हो रहा है आपके पर्सनल नंबर, सो दे कीप यू इन्फॉर्म्ड अबाउट द ऑर्डर के हमें यहाँ पे लगा ड्यू टू दैट पेमेंट और समथिंग लाइक दैट, तो आप फिर इमिडिएटली चेक कर सकते हो। तो फिर ये एक इम्पोर्टेंट चीज़ है कि यू सिक्योर योर पर्सनल नंबर ऑल्सो इन स्वीडन। नाउ डेज देर आर थिंग्स, दीज आर थिंग्स विच आर इन गेटिंग इंक्रीजिंग इन नंबर्स। और दूसरा चीज़ ये है कि पर्सनल नंबर के थ्रू आप अपना डिजिटल मेल बॉक्स एक्सेस कर सकते हो, तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स आपके डिजिटल मेल बॉक्स में आ जाता है, आप उसको लूज नहीं करते हो, हमेशा रहता है। पेपर बेस्ड एनवायरनमेंट से आपको मतलब थोड़ा सा छुटकारा मिल जाता है। आज के लिए इतना ही, होप यू enjoyed द वीडियो इन्फॉर्मेशन फॉर टू ईयर वी शेयर विथ यू। आपको कैसे लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और आप अगर आपको किसी और चीज़ का इन्फॉर्मेशन चाहिए तो प्लीज़ लेट अस नो, सो दैट हम ट्राई करेंगे उसके रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन निकाल के आपको शेयर करने के लिए। एंड इफ यू लाइक आवर वीडियो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड कीप वॉचिंग। विल कम बैक विथ ए न्यू वीडियो विथ सम न्यू इन्फॉर्मेशन। टिल देन Have a nice day and goodbye.